दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल कश्मीर गार्डन्स में। यूँ तो आपने जेरेनियम के जो पौधे हैं कहीं सारे देखे होंगे, मल्टी कलर्स में ये अवेलेबल रहते हैं, और इनकी कटिंग किस तरह से हम जो है प्रोपगेट करवा सकते हैं, बहुत सारे मेथड्स आपने YouTube पे देखे होंगे। लेकिन आज मैंने एक एक्सपेरिमेंटल वीडियो बनाया है जो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा कि किस तरह से हम जो है अपने जो कटिंग्स हैं प्रोपगेट किस तरह से बहुत ही जल्दी हम कर सकते हैं, और 100% कैसे हम रिजल्ट लें अपने कटिंग्स का, और बहुत ही जो है कम समय में हम इनको कैसे जो है रूट हासिल कर सकते हैं। ये बातें आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। लेकिन आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, और उन हजरात से मेरी गुजारिश है जिनने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से नीचे दिया हुआ जो लाल बटन है सब्सक्रिप्शन का उसको दबाएं, और साथ में बेल आइकन का बटन मिलेगा उसको भी दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सही समय पर पहुंच जाए। कुछ प्लांट्स को मैंने बचा के रखा हुआ था जो मैंने अभी इनके कटिंग करनी है। आपको मैंने पिछला वीडियो जो दिया था जेरेनियम के बारे में, तो मैंने आपको दिखाया था कि किस तरह से हम इनको जो है कटिंग ये जो है सेव कर सकते हैं विंटर्स में, और कटिंग के लिए ब्रांच कैसे हम रख सकते हैं। आज हम इन्हीं ब्रांच को जो है लंबे लंबे ब्रांच हो गए हैं इनके लिए, इनको हम काटेंगे तो इसमें ही हम 3 से 4 इंच के जो है कटिंग्स ले लेंगे, और जिसमें तकरीबन 2-3 जो हमारे नोड्स होंगे जो हमें रूट डेवलप करने में काम आ जाएंगे। आप देख सकते हैं दोस्तों, मैं फास्ट फॉरवर्ड इसलिए कर रहा हूं ताकि वीडियो को ज़्यादा लेंथी मैं नहीं लेना चाहता हूं, आपका समय बहुत ही कीमती है, इसलिए मैं आपका समय का ध्यान रखते हुए वीडियो को बीच में फास्ट कर रहा हूं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से मैंने कटिंग्स ली हैं, बहुत सारे कटिंग्स ली हैं, अलग अलग तरीके से लोग इसको लगाते हैं। आज हम सारी जो 3-4 जो अलग अलग जो वीडियोस हैं जो अक्सर वो दावा करते हैं कि हम इस तरह से प्रोपगेट जल्दी करवा सकते हैं, लेकिन मैंने आज 4 मेथड्स जो है इस्तेमाल करने हैं अलग अलग तरीके, जिसमें मैंने आप देख सकते हैं एक पॉट में मैंने पूरा जो है सैंड लिया है, और दूसरे पॉट में मैं आप देख सकते हैं मैंने इसमें मिट्टी ले ली है और थोड़ा सा कोकोपीट डाला है, और जो नीचे आप देख रहे हैं दोनों में पानी है। अभी एक में मैं पानी ले लूँगा, शुद्ध पानी शुद्ध वाटर, तो उसमें हम कुछ मिक्स नहीं करेंगे, और दूसरा जो ये मैंने उठाया है उसमें मैं अभी मिक्स करने जा रहा हूँ रूट हार्मोन। कुछ लोग दावा करते हैं कि पानी में आप डायरेक्ट रूट हार्मोन डाल दीजिए और साथ में कटिंग डाल दीजिए, उसमें रिजल्ट आपका बेटर निकलेगा। आज हम देखेंगे कि इनके दावे सच है या झूठ है, तो कौन सा दावा किसका सच है। अभी हम यहाँ पे जो ये एक्सपेरिमेंटल वीडियो है आपको इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से बताने की कोशिश करेंगे। अब हमने कटिंग जो ली है पूरी तरह से, तो इनको हमने कुछ और रूट हार्मोन वगैरह नहीं लगाना है, कुछ भी हमने इनको केमिकल नहीं लगाना है, कोई भी हमने दवाई नहीं लगानी है, एज इट इज़ इनको कटिंग को हमने अलग अलग तरीके से अलग अलग पॉट्स में लगाने हैं। मैं इस वक्त लगा रहा हूँ जिसमें खाली मैंने मिट्टी रखी हुई है और कोकोपीट थोड़ा सा जो है 20% के आसपास मैंने रखा हुआ है इसमें, तो अभी मैं इसमें लगा रहा हूँ 1 by 1। इसी तरह से बाकी जो मेरे पास ये अलग अलग 4 मेथड्स हैं, 4 ही सब के सब को मैं अभी पूरा करूँगा अभी कटिंग से। आप देख सकते हैं मैं सैंड में इस वक्त लगा रहा हूँ, जो रिवर सैंड होते हैं जो नॉर्मल हम कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं, अब मैं डायरेक्ट पानी में लगा रहा हूँ जो शुद्ध पानी है, उसमें मैंने कोई केमिकल नहीं लगाया। अब लास्ट में जो ग्लास है मेरा प्लास्टिक का, उसमें मैंने अभी रूट हार्मोन जो है मिक्स किया आपके सामने वाइट कलर का, अभी हम उसमें डाल देंगे। यूँ तो नॉर्मली जो है 35 से 45 दिन का समय लेता है ये प्रोपगेट होने में, थोड़ा सा हम पानी दे देंगे इनको ताकि ये बिल्कुल अच्छी तरीके से जो है वेट हो जाए पॉट्स, क्योंकि उसमें जो मैंने रेत लगाई थी जो बालू जिसको कहते हैं, तो उसमें कोई पानी नहीं दिया था मैंने पहले, तो इसी तरह से मिट्टी वाले जो है पॉट उसमें भी मैंने पानी दिया है, सब बाकी पानी के जो 2 गिलास है उसमें भी। अब देख सकते हैं 15 दिन के बाद का ये रिजल्ट है, मैंने उसको सेम टेम्परेचर सेम जगह रखी है और सेम एनवायरनमेंट में, अब देखेंगे कि किनका क्या रिजल्ट है। आप देख सकते हैं ये 30 दिन के बाद का रिजल्ट है, सभी में पत्ते बिल्कुल है अच्छी तरह से खिले हैं आप देख सकते हैं, लेकिन अभी रूट
नहीं आए होंगे, पत्ते तो बहरहाल पहले ही खिलते रहते हैं, लेकिन चारों के चारों आप देख सकते हैं पानी में भी इसमें पत्ते खिले हैं, लेकिन कोई भी गल नहीं गया है, कोई सड़ नहीं गया है पानी में, इतना तो यहाँ पे क्लियर हो गया है। अब बारी है दोस्तों रिजल्ट की, देखते हैं 35 दिन के बाद का रिजल्ट, देखते हैं कि किसमें कितना प्रोपगेट हुआ है। हमने पहले ये खोला है कि जिसमें हमने रूट हार्मोन डाला था, इसमें कोई खास नहीं निकला है, दो जो कटिंग्स हैं वो प्रोपगेट हो गई हैं। खाली पानी में हम देखेंगे कितना हुआ है, उसमें एक में रूट बना है खाली पानी में। अब मिट्टी वाला देखते हैं, मिट्टी वाला पॉट जो मिट्टी और कोकोपीट हमने डाला था, इसमें देखते हैं कितना है, इसमें भी अभी तक कुछ नहीं मिल रहा हमें। एक आध मिल गया है, दो, अभी इसमें भी कुछ खास नहीं मिला है, कोई रिजल्ट इसमें खास नहीं मिला है। करीबन आप देख सकते हैं दो तीन ही है इसमें, ज़्यादा इसमें खास नहीं मिला है। अब बारी है सैंड की, जो मैं अक्सर करता रहता हूँ, सैंड में ही मैं प्रोपगेट करता हूँ ऐसी कटिंग्स को, तो उसमें मुझे उम्मीद है कि काफ़ी सारे जो है कटिंग्स जो प्रोपगेट हुई होंगी। आप देख सकते हैं इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से रूट, पहला ही जो मैंने इसमें निकाला उसमें रूट बहुत बढ़िया, इसमें दो निकाले, दोनों में रूट आए हैं। आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े रूट्स में डेवलप हुए हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से इसमें भी रूट है, यानी कुल मिला के हम कह सकते हैं कि इसमें काफ़ी अच्छा रिजल्ट हमें मिल रहा है। अभी आप देख सकते हैं जितने भी मैं कटिंग्स यहाँ से निकाल रहा हूँ, अभी हर एक में रूट बना है, यानी 100% हम कह सकते हैं कि इसमें सक्सेसफुल हो गया है। ये मेरा अपना मेथड है, मैं इसमें करता हूँ, अक्सर करता रहता हूँ, इसी में जो है सैंड में ही प्रोपगेट करता रहता हूँ कटिंग्स को, तो ये बिल्कुल मैच्योर है अभी शिफ्ट करने के लिए। लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि बहुत सारे जो इसमें रूट्स आए हैं, बाकी में जो बाकी मेथड्स मैंने इस्तेमाल किए थे उसमें कोई ऐसा खातिरखा रिजल्ट नहीं मिला था, तो मुझे लगता है कि मैं आपको इतना ही रिकमेंड कर सकता हूँ, जब भी आप कटिंग्स को अभी प्रोपगेट के लिए रखें तो आप सैंड में ही रखें। कुछ दिनों के लिए मैं इस अपने जो प्लास्टिक के रेक्टेंगल वाले मेरे पास में पॉट्स हैं उनमें ही रखूँगा, क्योंकि मेरे पास अभी पॉट्स अवेलेबल नहीं हैं, ये कुछ दिन के लिए यहीं पे रहेंगे, सैंड में ही रहेंगे, ताकि जितने भी ये बगैर रूट के थे उनमें भी रूट वगैरह डेवलप हो जाएगा। दोस्तों अगर ये आपको मेरे ये एक्सपेरिमेंटल वीडियो आपको पसंद आया होगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलिएगा। अंत तक इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा, साथ में हमारे इस चैनल का भी, आपका और मेरा। अल्लाह हाफिज़।